तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच ही गए वो जगह जहां से मैं आपको वहां का मंजर दिखाने वाला हूं जो देखने में बहुत ही अजूबा है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वीसी अनकट में। सो दोस्तों आज हम कवर करने वाले एक अमेजिंग जगह जो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला में स्थित है, और ये जगह जो है सबसे बड़ा खदान है, ये झारखंड का सबसे बड़ा खदान। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये झाड़ जंगल तरफ क्या कर रहा हूँ अकेले। जी हाँ, मैं अकेला ही हूँ, मेरी टीम दिवाली मनाने के चक्कर में सब आराम कर रहे हैं, लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर आना मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी लगे हुए हैं, लेकिन भी इस सारे सिक्योरिटी को चकमा देकर मैं चुपके से आया हूँ इस जगह को कवर करने के लिए। और सोच सकते हैं आप कि ये कितना खास जगह है, आज तक किसी ने इस जगह को कवर नहीं किया है, लेकिन बस हमारे चैनल वीसी अनकट में ये चीज़ कवर होगा। सो देखने के लिए रेडी है? आर यू रेडी? लेट्स गो। एल डोराडो। ये है NTPC का कोयला खदान जो सबसे बड़ा है झारखंड में। देख लो भाई, ये कितना बड़ा सा कोयला खदान है, देख रहे हो कितना बड़ा। चलो मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ। चलो 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 चलो। मैं आखिरी तक पहुंच गया हूं, देख रहे हो खाई कितना बड़ा खाई है। इसके अलावा और भी ऐसे कोयला खदान हैं, जैसे कि उरीमारी पड़ जाता आपका, हजारीबाग में भी है, रामगढ़ में भी है, भुरकुंडा में भी है, और ये बड़का गांव है जहां पर ये आपको दिखा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा है बाकी जगह से। तो दोस्तों मुझे यहाँ से अब जल्दी निकलना होगा क्योंकि सिक्योरिटी वाले आ गए हैं और मुझे यहाँ से वार्निंग दे रहे हैं कि जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ कभी भी धस सकता है। आप जैसे देख सकते हैं कि वहाँ पर उस जगह पर देखिए, वहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ पर मिट्टी खसक गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गाड़ी चल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पहाड़ है, ये मिट्टी का है, लेकिन ये कभी भी धस सकता है इसी। दोस्तों आ गया हूँ मैं सेफ जगह जहाँ से मैं आराम से बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। यहाँ से कोयला उठाया जाता है और आगे में डंपयार्ड है, वहाँ पर रखा जाता है, और वहाँ रखने के बाद तो एक मशीन सेटअप है जहाँ पर उसको थोड़ा रिफाइन किया जाता है, जो प्रोसेस होता है। एक ये तो है सबसे बड़ा, लेकिन एक आगे जाने के बाद कम से कम 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक और वहाँ पर खदान है जो बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ है, वहाँ से निकाल के वहाँ मशीन है डायरेक्ट यहाँ गाड़ी से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि सामने में और डंपयार्ड भी सामने है। लेकिन कोई कोई जगह ऐसा है जो काफ़ी दूर है, वहाँ से 3 किलोमीटर लगभग ऐसा है कि कवर करता है उसको मशीन के पास पहुँचाने के लिए, फिर वहाँ रिफाइन करता है, रिफाइन करने के बाद फिर रिस्पेक्टिव डीलर्स को दिया जाता है। ज़्यादातर मैं यहाँ आ रहा है तो मुझे भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है जो सफोकेशन। ऐसा डेयरिंग वाला काम करना ये लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलता हूँ। बस ये आपको फुटेज दिखाने के लिए आया था, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीसी अनकट को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।